कास्टिंग डायरेक्टर को प्रोफाइल ईमेल करते वक्त ये गलतियां बिल्कुल ना करें। अगर आप एक एक्टर हैं तो जाहिर सी बात है हर रोज आप कई सारे कास्टिंग डायरेक्टर को अपनी प्रोफाइल ईमेल करते होंगे। प्रोफाइल ईमेल करने के बाद आप इंतजार करते होंगे उनके रिप्लाई का, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको रिप्लाई नहीं आता है। वेल, ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपको रिप्लाई नहीं आता है? आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये तो पता चल जाएगा कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं और आगे आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। साथ ही आपको एक एडवाइस भी दूंगी और ये एडवाइस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दी कास्टिंग जोया में। पहले के मुकाबले अब ज़्यादा आसान है किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस या फिर डायरेक्टर तक के अपनी प्रोफाइल पहुंचाना, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एक एक्टर को अपनी फोटोज़ की हार्ड कॉपी लेकर के घूमना पड़ता था। अगर किसी प्रोडक्शन हाउस में देना है या फिर डायरेक्टर को देना है तो उसे खुद जा करके देनी पड़ती थी, लेकिन अब आप व्हाट्सअप के थ्रू, ईमेल के थ्रू अपनी प्रोफाइल किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस तक के पहुंचा देते हैं, तो अब ज़्यादा आसान है। वेल, जब आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको एक एक्टर बनना है, एक्टिंग फील्ड में जाना है, फिर आप एक्टिंग सीखते हैं। तो दूसरा स्टेप ये होता है एक्टिंग सीखने के बाद कि आपको अपनी प्रोफाइल कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्टर तक के पहुंचानी होती है, ताकि आपने जो एक्टिंग सीखी है, ताकि जो आपको एक्टिंग करनी है, जिसके लिए आप पैशनेट हो, आपको काम मिले। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपको रिप्लाई नहीं आता है। शुरुआत में जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था तभी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी और मैंने डिटेल में समझाया था कि कैसी फ़ोटो भेजनी है, क्या क्या लिखना है, क्योंकि एक एक्टर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कैसी फ़ोटो भेजनी है और क्या क्या आपको लिख करके भेजना है। लेकिन कई सारे लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है। अगर आप एक एक्टर हैं, इंडस्ट्री में नए हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसी फ़ोटोज़ भेजनी है, क्या क्या डिटेल में लिखना होता है। सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है विद डेमो, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा। फिलहाल अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कास्टिंग डायरेक्टर्स को प्रोफाइल ईमेल करते वक्त क्या क्या गलतियाँ करते हैं। पहली गलती, इनकम्प्लीट प्रोफाइल। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो डिटेल भेजते हैं तो फोटो नहीं भेजते, फोटो भेजते तो डिटेल नहीं भेजते, अगर फोटो डिटेल दोनों भेजते तो नंबर नहीं भेजते। आप में से कई सारे लोगों ने मुझे ईमेल किया अपना प्रोफाइल। जब से मैंने लैपटॉप लिया है तब से मैंने काम करना अपना स्टार्ट किया है कास्टिंग का। आप यकीन मानिए कि मुझे इतना इरिटेशन हुआ है आपकी प्रोफाइल देख करके। मैंने कितने सारे लोगों को रिप्लाई दिया है कि प्लीज़ अपनी डिटेल भेजिए, अपनी फ़ोटोज़ भेजिए। मतलब इतना ज़्यादा ऐसा लगा कि जब से मैंने लैपटॉप लिया है मैं दिन भर में 5-5 घंटे सिर्फ लैपटॉप पे बिता रही हूँ लोगों के रिप्लाई करने में। काफ़ी सारे मुझे ईमेल आए हैं, ये मैं नहीं कहूँगी ईमेल नहीं आए, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे अपने प्रोफाइल भेजे हैं, लेकिन प्रोफाइल इनकम्प्लीट भेजे हैं। अगर आप इस तरीके से अनप्रोफेशनली काम करोगे तो ये कास्टिंग डायरेक्टर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इनफैक्ट चलो मैंने रिप्लाई कर भी दिया क्योंकि मैं यहाँ आपको बताने के लिए बैठी हूँ, लेकिन कई सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, प्रोडक्शन हाउस वाले डायरेक्टर हैं, वो नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास आपके जैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो आपको रिप्लाई क्यों करेंगे। तो एक बात ध्यान में रख लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको काम का रिप्लाई आए, कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस या फिर डायरेक्टर आपको रिप्लाई करे, तो आप कभी भी अपनी प्रोफाइल इनकम्प्लीट ना भेजे, फोटोज़ भेजे, डिटेल भेजे, नंबर ज़रूर दे, करंट लोकेशन ज़रूर से ज़रूर बताएं, 2 से 3 फोटो भेजे, ज़्यादा मत भेजे, 1 मिनट का इंट्रोडक्शन वीडियो भेजे। जहाँ भी आपकी फ़ोटो पहुँची है अगर आप किसी भी कैरेक्टर में फिट होंगे तो आप यकीन मानिए आपको रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर आएगा। अगर आप नंबर नहीं भेजोगे, किसी कैरेक्टर में आप फिट भी होगे तो आपको कोई क्यों कॉल करेगा, वो सोचेगा आपसे नंबर मांगने से अच्छा है कि चलो किसी और को कास्ट कर लिया जाए। तो ये गलती मत करो क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको रिप्लाई करे, आपसे नंबर मांगे। हो सकता है कि सामने वाले बंदे ने आपको रिप्लाई किया लेकिन उस वक्त आपने नहीं देखा,
तो इस वजह से आपका काम भी जा सकता है। तो ये गलतियाँ प्लीज 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 मत करना, इससे आप कहलाओगे कि आप एक अनप्रोफेशनल एक्टर हो, आपको कुछ भी नहीं आता, आपको कोई भी जानकारी नहीं है। जिसको भी आप अपनी प्रोफाइल इनकम्प्लीट भेज रहे हो उसे यही लगेगा कि ये ऐसे ही, इसे कुछ भी नहीं आता है। तो ध्यान रखना, किसी को भी प्रोफाइल ईमेल करते वक्त सही से चेक करना है कि क्या क्या भेजना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी। अगर नहीं पता है कि कैसी प्रोफाइल भेजनी है, कैसी फोटो भेजनी है, क्या डिटेल लिखनी है, तो इस पर एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी गलती जो आप में से कई सारे लोग करते हैं वो है रीसेंडिंग योर प्रोफाइल। यानी कि एक बार किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस या फिर डायरेक्टर को फोटोज भेजने के बाद, प्रोफाइल भेजने के बाद आप फिर से भेजना स्टार्ट कर देते हैं। इससे बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है, कास्टिंग डायरेक्टर काफी इरिटेट होते हैं। इनफैक्ट कई सारे कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग कंपनियां अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी डालने लगी हैं कि प्लीज बार बार अपनी प्रोफाइल ईमेल मत करिए, आपकी प्रोफाइल हमारे डेटाबेस में सेफ है, कोई भी काम होगा तो आपको बुलाया जाएगा। इस तरीके से इरिटेट ना करें। जी हाँ, काफ़ी सारे कास्टिंग डायरेक्टर करते हैं, एक पोस्ट आप मेरे स्क्रीन पर खुद देख लीजिए। तो ये गलती आप करके, आप लोग ठीक है, मैं समझती हूँ कि आपको काम चाहिए, काम की वजह से सोचते हो कि बार बार किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को याद दिलाया जाए कि मैं भी एक एक्टर हूँ, मेरी प्रोफाइल देखिए, मुझे काम दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप ऐसा मत कीजिए, किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को बार बार याद मत दिलाइए। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बार बार प्रोफाइल ईमेल करी, जैसे कि मैंने बताया था कि लखनऊ में कास्टिंग स्टार्ट कर रही हूँ दोबारा से, तो मैं डेटा सेव कर रही हूँ। तो उस वक्त क्या हुआ कि एक ही लोगों के बार बार मुझे प्रोफाइल आए, बार बार ईमेल आए, तो वो देख करके मुझे काफ़ी इरिटेशन हुआ कि मतलब आप इतना अनप्रोफेशनल कैसे हो सकते हो। ये चीज़ मैंने देखी, काफ़ी सारे कास्टिंग डायरेक्टर भी देखते हैं और वो ये बात कहते भी हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप एक बार अपनी फ़ोटोज़ भेज दीजिए, कास्टिंग डायरेक्टर आपको खुद सामने से कॉल करेगा, यकीन मानिए आपकी फ़ोटोज़ देख करके आपको कॉल आएगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बार बार रीसेंड करें अपनी फ़ोटो, बार बार ईमेल करें। अगर एक बार आपने अपनी प्रोफाइल ईमेल कर दी है, दोबारा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को आपको बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या एक्टर हूँ, मुझे काम दीजिए। अगर आप प्रोडक्शन हाउस जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन किसी को ईमेल मत करिए। अगर आपने एक बार कर दिया तो ठीक है, बार बार मत करिए। तीसरा है बैड फोटो। जब आप एक्टिंग सीख लेते हैं, अपनी फोटोज लोगों तक के पहुंचाते हैं, पहले आपकी फोटो देखी जाती है कि आप किस कैरेक्टर में फिट हैं, किस कैरेक्टर में फिट नहीं। आपकी फोटो देख करके ही आपको ऑडिशन मंगवाया जाता है या फिर आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है, पहले आपकी फोटोज ही देखी जाती है। अगर आप अपनी फोटोज़ अच्छी नहीं भेजेंगे तो जाहिर सी बात है, ना ही आपका ऑडिशन लिया जाएगा, ना ही आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा, ना ही आपसे कहा जाएगा कि आप अपना ऑडिशन भेजिए, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि फ़ोटोज़ कैसी भेजनी है। मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको एक प्रोफेशनल लाखों वाला पोर्टफोलियो बनाना है, जी नहीं, एक्टिंग में इसकी ज़रूरत नहीं है, मॉडलिंग में ज़रूरत है क्योंकि आप एक एक्टर हैं, उसके लिए ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक स्मार्टफोन है, आप उससे भी तीन चार ढंग की फ़ोटो खींच सकते हैं, जिसमें तीन सेलेक्ट करके फ़ोटो भेज सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि कैसी फ़ोटो भेजनी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे ड्रेस लें तभी उन ड्रेस को पहन करके फ़ोटो खिंचवाएं किसी बड़े कैमरेमैन से, या बड़ी सी पोर्टफोलियो बनाएं लाखों की, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ़ोन से भी ढंग की फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि फ़ोटो चाहे जैसी हो भेज देते हैं, कुछ लोगों ने चश्मा लगा रखा, कुछ लोग लेटे हैं, कुछ लोगों के फेस ही नहीं नज़र आ रहा है, तो मतलब ऐसे फ़ोटो नहीं भेजी जाती है। जब भी आप एक कास्टिंग डायरेक्टर को, प्रोडक्शन हाउस में किसी को फ़ोटो भेज रहे हैं, तो आप इसलिए भेज रहे हैं ना कि आपको काम मिले, ना कि इसलिए भेज रहे हैं कि आपका रिजेक्शन हो जाए। आप गलतियां इस तरीके की करेंगे तो आपको कभी भी रिप्लाई नहीं आएगा। हमेशा फ़ोटोज़ नीट और क्लीन साफ भेजिए, जिसमें आपका चेहरा दिखे, जिसमें आप दिखो कि आप कैसे हो, आप मोटे हो, छोटे हो, नाटे हो, कैसे हो वो दिखो। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि तीन फ़ोटो भेजो, एक में जिसमें आपका चेहरा सही से नज़र आए, एक हाफ़ और एक फुल, जिसमें आपकी हाइट नज़र आए, आपका वेट नज़र आए, आप कैसे हो, सारी चीज़ें नज़र आए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी फ़ोटो भेजें। अब मैं आपको एक एडवाइस भी दे रही हूँ, जिस एडवाइस के बारे में मैंने आपको बताया था। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो ना ही फ़ोटोज़ भेजते हैं, ना ही डिटेल भेजते हैं, वो सिर्फ़ एक ईमेल करते हैं और उसमें ईमेल में एक लंबा चौड़ा सा मैसेज करते हैं
कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मुझे एक एक्टर बनना है, या मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, प्लीज मुझे चांस दे दीजिए, मुझे रोल दिला दीजिए। तो आपसे मैं बता दूं कि इस तरीके के ईमेल करने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, आपको कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप इस तरीके के मैसेज लिखने से अच्छा है कि आप अपना एक ऑडिशन रिकॉर्ड करिए और वो ऑडिशन लोगों को भेजिए, उससे एक बार आपको रिप्लाई आ भी जाएगा। लेकिन इस तरीके के मैसेज से आपको कभी भी रिप्लाई नहीं आएगा। अगर आप एक एक्टर हैं तो आप अपनी डिटेल भेजिए, अपना प्रोफाइल भेजिए, इंट्रोडक्शन भेजिए, ऑडिशन भेजिए। आपको काम एक्टिंग फील्ड में आपके टैलेंट के भरोसे मिलेगा, ना ही किसी की सिफारिश से। अगर आप किसी से कहते भी हो हाथ जोड़ करके अपनी परेशानी बता के, उससे काम आपको नहीं मिलेगा। आप लिख करके मेरी बात ले लीजिए। अगर आपने किसी को प्रॉब्लम बताइए कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मुझे एक्टर बना दो, मुझे कुछ नहीं आता है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत प्रॉब्लमदायक हो जाएंगी। सामने वाला आपका मजाक भी उड़ाएगा, आपको कोई काम भी नहीं देगा। पहली चीज़ ये कि अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हो तो आपका फोकस होना चाहिए एक्टिंग सीखने पे। जिस दिन आपने एक्टिंग सीख ली, एक्टिंग जान ली, उस दिन आपको एक एक्टर बनने से तो कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि एक्टिंग फील्ड में सिर्फ आपका टैलेंट देखा जाएगा और कुछ भी नहीं। कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके एग्जांपल्स मैं आपको खुद देती रहती हूँ कि जिनके पास पैसे नहीं थे, जिनके पास घर नहीं था, जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज वो एक बहुत बड़े सक्सेसफुल एक्टर है। किस वजह से? अपने टैलेंट की वजह से। तो प्लीज़ टैलेंटेड बनो, किसी के आगे झुकोगे कोई काम नहीं मिलेगा। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।